पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद के प्रगति विहार शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान का चोला चढ़ाया। यहां पर भगवान हनुमान को विशेष भोग अर्पित किए गए। इस दौरान विशेष मंत्रोच्चारण के बीच हनुमान जी की पूजा अर्चना कराई गई। सवेरे से शाम तक यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तगणों ने उपस्थित रहकर पूर्ण विधि विधान के साथ हवन में आहुति छोड़ी और बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस दौरान कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्ण विधि विधान के साथ जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया। हरिओम गुप्ता, प्रगति विहार मंदिर शिव मंदिर पर आज हनुमान जन्मोत्सव हवन के द्वारा हवन कराया गया और सभी श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति की। उसके बाद भंडारे का यहाँ आयोजन किया गया है, प्रसाद वितरण किया जाएगा, सभी लोग प्रसाद लेकर के धर्म लाभ कमाएंगे। हम लोग समय समय पर आयोजन करते रहते हैं। मंदिर प्रांगण में बाबा का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने मनाने का तय किया था। कल बाबा का जन्मदिन मनाया गया, रात को प्रसाद वितरण किया गया। क्षेत्र के लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ कमाया, बाबा के आयोजन में सम्मिलित हुए और आज महायज्ञ के पश्चात प्रसाद का वितरण होगा। तो क्षेत्र के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये लगभग बाबा इच्छा के द्वारा शाम तक प्रसाद वितरण चलेगा, तो क्षेत्र के लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें, धर्म लाभ कमाएं। मैं गहोगे सभाध्यक्ष कहूँगा कि भगवान के हनुमान जी के आज हवन हुआ और कल रात्रि में कीर्तन वगैरह का प्रोग्राम रहा था, जिसमें प्रसाद वितरण किया गया था और आज हनुमान जी के सभी लोगों ने मिलजुल कर हवन किया है, समस्त गौरी सभा ने, और सभी की सुख समृद्धि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की गई है, ताकि सभा के सभी लोग प्रसन्न रहें, उनके परिवार में चेतानंद रहें और समस्त इसी प्रकार कार्यक्रम में आगे के लिए भी भाग लेते रहें। आज सबसे पहले तो मैं सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देना चाहूँगी। सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज हमारे गहोई वैश्य समाज द्वारा हवन का कार्यक्रम किया गया, कल भी हमारे यहाँ पर कीर्तन हुआ था और हवन के बाद प्रसाद वितरण है, और सभी को मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। सब एक साथ मिलजुल कर रहें और इस कार्यक्रम को हर साल इसी तरह ही होता रहे। Thank you.
की जय।